तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर ये देखोगे कि एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ऑसिलेट, बार मैग्नेट जो होता है वो ऑसिलेट करता है, और अगर ये बार मैग्नेट ऑसिलेट करा, लेट अस सपोज ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बी में रखोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो नहीं ऑसिलेट करेगा, जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा डिग्री अगर घुमा दोगे ऐसे तो वापस ऐसे आ जाएगा यार, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और यहाँ आके रुक नहीं पाएगा, वो इधर आ जाएगा, कुल मिला के इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। तो इसका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्सिया और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट, आई होप कि ये इक्वेशन आप पढ़े होगे, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वेशन आप पढ़ लिए हो तो इसी पे सवाल है, कहता है टाइम पीरियड व्हाट हैपेंड टू इट्स पीरियड इफ द मास इज क्वाड्रो, मतलब 4 टाइम्स कर दिया जाए, अगर मास 4 टाइम्स कर दोगे, 4 टाइम्स मास कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी कितना आ जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इज इक्वल टू यहाँ से एम के स्क्वायर, ठीक ना, रेडियस ऑफ जायरेशन और एम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मास 4 टाइम्स कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। या ऐसे देख लो ना, अगर एक रॉड है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ, मास पे इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है, तो अगर मास 4 टाइम्स कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरे इक्वेशन टी डैश में 2 पाई और मोमेंट ऑफ इनर्सिया यहाँ से 4 आई हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट वही रहा और मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा अंडर रूट इक्वेशन नंबर टू। अब ये कहता है कि जो मोशन है, देखो मास ज़्यादा बढ़ाने या कम होने से मोशन तो चेंज नहीं होगा, तो ये एस एच एम ही रहेगा, स्मॉल एंगल के लिए होता है, एस एच एम ही होता है, तो रिमेंस एस एच एम, रिमेंस एस एच एम सब में है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी डैश की वैल्यू निकालो तो टी डैश अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 आई अपॉन आई, यहाँ से अंडर रूट, तो आई ने आई को काट दिया, तो टी डैश इज इक्वल टू यहाँ से 2 टी। तो पहले टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा अगर मास 4 टाइम्स करोगे और मोशन वही रहेगा, तो ये मोशन रिमेन सेम टाइम पीरियड है, ये गलत है, मोशन रिमेन सेम टाइम पीरियड चार्ट है, ये गलत है, मोशन रिमेन सेम ये गलत है, दैट इज़ बी ऑप्शन सही है। थैंक यू।